यस, आज का हमारा टॉपिक है सीक्रेटरी टिश्यू, स्त्रावी ऊतक। दिस इज़ फॉर द बीएससी पार्ट टू स्टूडेंट, बॉटनी पेपर थर्ड। सीक्रेटरी टिश्यूज, सीक्रेटरी टिश्यूज प्लांट्स में पाई जाने वाली वह मॉडिफाइड सेल्स हैं या सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स हैं या टिश्यूज़ हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्त्रवण होता है, जिनसे उन्हें सीक्रेटरी टिश्यूज़ कहते हैं। तो जो सीक्रेटरी टिश्यू हैं वो मॉडिफाइड सेल्स हैं या मॉडिफाइड ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनमें गम, रेजिन, लेटेक्स, शीर और अन्य पदार्थ जमा होते हैं और वहाँ से फिर सीक्रेट होते हैं, इसलिए इन्हें सीक्रेटरी टिश्यूज़ कहते हैं। सीक्रेटरी टिश्यूज़ में जो सिक्रीशन या जिन पदार्थों का जमाव होता है, एक्यूमुलेशन जिन पदार्थों का होता है, वो मोस्टली मेटाबॉलिज्म के बाई प्रोडक्ट होते हैं, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होते हैं, जो रिजर्व सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, बल्कि इनको सिक्रीट किया जाता है। मोस्टली पैरेन्काइमेटस जो सेल्स होती हैं उनसे ये ड्राइव होते हैं, उनसे बनते हैं सीक्रेटरी टिश्यूज़, तो इनको हम सीक्रेटरी पैरेन्काइमा भी कह सकते हैं। तो बेसिकली जो सीक्रेटरी टिश्यूज़ हैं वो मॉडिफाइड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें विभिन्न पदार्थों का स्त्रवण होता है। जिनसे सीक्रेटरी टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक्सटर्नल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में और दूसरा इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। एक्सटर्नल, जैसा कि नाम से है, बाहरी सरफेस पर, जो पादप के जिस भी भाग में ये प्रेजेंट होते हैं उसके बाहरी सरफेस पर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लीफ की एपिडर्मिस पर या फ्लावर के बाहरी पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा है इंटरनल, जो कि एम्बेडेड होते हैं यानी धसे हुए होते हैं दूसरे टिश्यूज़ के अंदर। एक्सटर्नल सीक्रेटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं, मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं, ऑस्मोफोर यानी ऑयल डक्ट्स हो सकते हैं और हाइड्रोथ्रोट्स भी होते हैं। इसी तरह से इंटरनल जो सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्त्रावी कोशिका या स्त्रावी केनाल के फॉर्म में होते हैं और या फिर रबड़ शीर कोशिका यानी लैटिसिफर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्ट हम जो स्टडी करेंगे वो है एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज़, इनको एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर्स भी कहा जाता है। ये एक्सटर्नल सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली इनसे वो पदार्थ स्त्रावित होता है जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनते हैं। तो नॉर्मली जो एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज़ होते हैं वो एपिडर्मिस या हाइपोडर्मिस लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इनको इनके फंक्शन, जो एक्सटर्नल सीक्रेटरी टिश्यूज़ हैं उनको उनके फंक्शन और उनसे कौन सा पदार्थ सीक्रेट हो रहा है, इसके बेसिस पर छह क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ग्लैंडुलर हेयर यानी ग्रंथिल रोम या ट्राइकोम्स इनको बोलते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाचक ग्रंथियाँ, स्टिंगिंग हेयर्स दंशन रोम, नेक्टरीज मकरंद ग्रंथियाँ, ऑयल डक्ट्स तेल ग्रंथियाँ और हाइड्रोथ्रोट्स जलरंध्र। फर्स्ट वन है ग्लैंडुलर हेयर। ग्लैंडुलर हेयर एपिडर्मिस, जैसा कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स जो है वो बाहरी सरफेस पर होते हैं, तो जो लीफ या फ्लावर की जो एपिडर्मिस होती है उस पर ये ग्लैंडुलर हेयर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बोराविया में जो ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स होते हैं वो एपिडर्मल लेयर पर प्रेजेंट होते हैं यानी बाहरी सरफेस पर पाए जाते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और यूनिसेलुलर हो सकते हैं। इनमें एक स्टॉक होता है और उसके ऊपर एक गोलाकार हेड होता है। तो जो स्टॉक होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होता है, इसी तरह जो हेड होता है वो भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकता है। हेड जो होता है वो एक्चुअल, उसका जो फंक्शन होता है वो सिक्रीशन का फंक्शन होता है। ट्राइकोम का जो स्टॉक होता है उसके ऊपर राउंड हेड होता है, उससे किसी भी पदार्थ का सिक्रीशन होता है। और ये इसका जो क्यूटिकल कवर ऑफ द हेड सच इज़ वॉलेटाइल, इसमें जो प्रेजेंट होते हैं जो पदार्थ वो कपूर, बालसम, पीपरमिंट, रेजिन,
इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जो अक्यूमुलेट होते हैं बेनिथ द क्यूटिकल कवर, यानी क्यूटिकल के नीचे, एपिडर्मिस की क्यूटिकल के नीचे, यानी एपिडर्मिस के बाहर इन पदार्थों का जमाव हो जाता है या एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब इनको कोई कांटेक्ट होता है इनका किसी चीज़ से, तो ट्राइकोम्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म भी करते हैं। तो इसमें जब किस कहीं भी इसको सिक्रीट होने की ज़रूरत होती है तो ये अपने हेड से उन पदार्थों का सिक्रीशन कर देता है। इस डायग्राम में आप देखिए, इसमें दो तरह के ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स दिखाए गए हैं, नॉन ग्लैंडुलर एंड ग्लैंडुलर। नॉन ग्लैंडुलर जिन पर ऊपर हेड वाला पोर्शन राउंड स्ट्रक्चर नहीं है, और ग्लैंडुलर में स्टॉक है नीचे और ऊपर एक गोलाकार संरचना है, दैट इज हेड। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स जैसे कि हमने आपको बताया कि एपिडर्मल आउटग्रोथ्स होती है, और ये स्थान होते हैं बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्पेशलाइज मेटाबोलाइट्स। तो इसमें जो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो इन्हीं ट्राइकोम्स में सिंथेसिस होता है बाय प्रोडक्ट्स का, उन मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स का। बिसाइड देयर रोल इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट अगेंस्ट बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेस, प्रोटेक्शन के अलावा इनका और क्या काम होता है? ये ह्यूमन यूज़ के कुछ पदार्थ भी इनसे सिक्रीट होते हैं, फॉर एग्जांपल जो कि फार्माक्यूटिकल्स में काम आते हैं, फ्लेवर्स के लिए या फ्रेगनेंस के लिए काम में आते हैं, या एज ए पेस्टिसाइड्स इन्हें यूज़ किया जाता है। ग्लैंडुलर ट्राइकोम डिफेंस मैकेनिज्म के अलावा, जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका जो हेड है उससे एक सिक्रीशन होता है, तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के अलावा ये इंसेक्ट रिपेलेंट का काम भी करते हैं, यानी इनसे जो म्यूसिलेज होता है वो सिक्रीट होता है, और उससे कोई भी जो एफिड्स होते हैं लाइक कीट, छोटे कीट के समान जो पत्तियों पर बग्स के समान संरचनाएं होती हैं, वो रिपेलेंट यानी विकर्षण होता है उनका, उनको ये इस म्यूसिलेज से या इसका जो सिक्रीशन होता है उनसे ये रिपेलेंट होते हैं, दूर हो जाते हैं। तो इसके साथ साथ डिफेंस मैकेनिज्म के साथ साथ ये इंसेक्ट को रिपेलेंट का काम भी करते हैं। ग्लैंडुलर ट्राइकोम्स ऑफ इंसेक्टिवेरस प्लांट सिक्रीट म्यूसिलेज, जैसे कि मैंने आपको बताया म्यूसिलेज का सिक्रीशन होता है, जिससे कि ये समटाइम्स पे जो इंसेक्ट आता है वो चिपक भी जाता है, और चिपक करके ये इसका डाइजेशन कर लेते हैं। इनसे प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो डाइजेशन करते हैं उन इंसेक्ट्स का, और इनके जो नाइट्रोजन की कमी जो पूरी कर लेता है, कोई भी प्लांट होता है वो नाइट्रोजन की, जब हम कीटनाशक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल ड्रोसेरा एंड निपैंथिस, तो उसमें यही होता है कि जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो किसी भी कीट को डिसॉल्व कर देते हैं, उसका एज ए फूड वो यूज़ कर लेते हैं, और वो अपने नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ ट्राइकोम, जनरली अ डेंस कवरिंग ऑफ वुली ट्राइकोम्स कंट्रोल द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी जो रोम होते हैं उनकी वजह से ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाती है, वाष्पोत्सर्जन यानी जल की कमी उनमें नहीं हो पाती, क्योंकि उस पर रोम काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं उस पे एपिडर्मल लेयर पे। दे ऑल्सो रिड्यूस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट, यानी ज़्यादा तेज़ गर्मियों से भी इसका बचाव करते हैं, और किसी भी हानिकारक एजेंसीज जो होती हैं, हानिकारक माध्यम कोई भी अगर इनके लिए होता है तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रोसेरा निपैंथिस इन प्लांट्स में, पैम्विक्यूला, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स में प्रोटीएज जो एंजाइम होता है वो सिक्रीट होता है, प्रोटियोलिटिक जो एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रीट होते हैं, और ये एंजाइम नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर देते हैं, क्योंकि वो उस इंसेक्ट का डिसॉल्व कर देते हैं, उसको पचा जाते हैं उसकी बॉडी को, इंसेक्ट की बॉडी को ना। इंड्रोसेरा और जो ग्लैंड्स होती हैं, डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं ड्रोसेरा में, वो टेंटिकल्स जो होते हैं इनके, दंश जो होते हैं टेंटिकल्स यानी स्पर्शक के जो टिप होते हैं उन पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और जबकि निपैंथिस में जो एपिडर्मल वॉल होती है उस पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती हैं, और ये मोस्टली इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, ए है निपैंथिस का जो पिचर प्लांट कहलाता है उसका डायग्राम, एंड सेकंड वन इज ड्रोसेरा। नेक्स्ट एक्सटर्नल सिक्रीटरी जो स्ट्रक्चर है दैट इज स्टिंगिंग हेयर यानी दंशन रोम।
दंशन रोम, दंश के समान, डंक के समान कोई संरचना यानी स्पाइन के समान एक संरचना पाई बन जाती है इन टिश्यूज़ में, और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। बिच्छू बूटी अगर आपने सुना हो एक प्लांट का नाम, तो इस बिच्छू बूटी में एक स्पाइन के समान संरचना निकल जाती है जिससे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, और एक केमिकल इसमें से सिक्रीट होता है जिससे कि इरिटेशन होती है और ये पॉइजनस होता है। तो दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ ट्राइकॉम्स। इट कंटेंस ए पॉइजनस लिक्विड एंड कंसिस्ट ए बेसल बल्ब लाइक पोर्शन। इसमें नीचे एक बेसल बल्ब के समान संरचना होती है और फिर वो ऊपर चढ़ करके एक टैपरिंग करते हुए लंबी सी संरचना होती है और आगे एक पॉइंटर होता है। तो उस पॉइंटर के जो बेसल रीजन होता है उसमें सिक्रीटरी जो सब्सटेंस होता है वो प्रेजेंट होता है, और जब किसी भी कॉन्टैक्ट में ये आते हैं तो ये लिक्विड ऊपर की तरफ जाता है और इसका जो पॉइंटर होता है वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रिक कर जाता है, घुस जाता है और उस पॉइजनस सब्सटेंस को वहाँ छोड़ देता है, तो उससे इरिटेशन होती है। इट कंटेंस ए पॉइजनस लिक्विड एंड कंसिस्ट ऑफ ए बेसल बल्ब लाइक पोर्शन विच फ्रॉम विच ए स्टिफ सिलेंडर एंड टैपरिंग स्ट्रक्चर इज गिवन आउट। एक लंबा सा एक संरचना निकलती है बल्ब से जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस टैपरिंग स्ट्रक्चर्स के ऊपर स्मॉल नॉब लाइक एक शार्प पॉइंट होता है। द टिप इज यूजली समवट ऑब्लिक एंड एज द बॉडी ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बींग कम्स इन इट्स कॉन्टैक्ट विद सम फोर्स द टिप इज ब्रोकन ऑफ। कोई भी ऑर्गेनिज्म जब इनके कॉन्टैक्ट में आता है तो ये जो टिप होती है ये टूट जाती है और ये इसके जो अंदर एक शार्प पॉइंट होता है वो उस ऑर्गेनिज्म की स्किन में या उस एनिमल की स्किन में एंटर कर जाता है और जो फ्लूइड होता है वो उसमें इंजेक्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल अर्टिका यूरेंस बिच्छू बूटी, ये इसका डायग्राम है। देखिए नीचे एक बेसल स्ट्रक्चर है, राउंड स्ट्रक्चर है, और ऊपर बिल्कुल जो ब्रेकेज पॉइंट है वो बिल्कुल पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो जो सिक्रीटरी सब्सटेंस इसमें बनता है वो नीचे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में होता है और ये जो ऊपर टिप है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटर कर जाती है। मकरंद ग्रंथियाँ, नेक्टरीज, नेक्टरीज जो मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं वो मकरंद स्रावित करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं। मकरंद सेक्स भी, नेक्टर सेक्स भी इनको बोलते हैं। तो जो नेक्टरीज होती हैं इनसे मकरंद स्रावित होता है। मकरंद एक अच्छी स्मेल जो आकर्षित करता है किसी भी कीट को अपनी तरफ, उस तरह का इसमें स्मेल होती है, इसकी खुशबू होती है, इसमें जो गंध होती है इसमें मोस्टली ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। जो नेक्टरीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, इनका प्रोटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डिक्टियोसोम, वैक्यूल्स और एक लार्ज न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। नेक्टर्स इज एक्सक्रूडेड थ्रू द वॉल्स एंड एक्सपोज ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लैंड। नेक्टरीज में ऑल्सो अकर ऑन प्योरली वेजिटेटिव पार्ट। तो मोस्टली ये फ्लोरल पार्ट में पाई जाती हैं, तो तब हम इन्हें फ्लोरल नेक्टरीज कहते हैं। और जब ये फ्लोरल के अलावा, फ्लावर के अलावा, पुष्प के अलावा किसी और भाग में, प्लांट पार्ट में अगर नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं तो इन्हें एक्स्ट्रा फ्लोरल नेक्टरीज कहते हैं। इन नेक्टरीज में जैसे मैंने आपको बताया ग्लूकोज सुक्रोज फ्रुक्टोज पाए जाते हैं। कुछ जो नेक्टरीज होते हैं उनमें अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो इंसेक्ट्स को पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ नेक्टरीज। फर्स्ट वन इज नेक्टरीज इन यूफोर्बिया पल्चेरिमा एंड बी वन इज नेक्टरीज इन ऑन द स्टिपुल ऑफ विसिया। ऑयल डक्ट या ऑस्मोफोर, ऑस्मोफोर जो होते हैं वो फ्रेगनेंस के लिए होते हैं। ऑयल डक्ट जो टारपिन्स ऑयल्स होते हैं उनसे एक फ्रेगनेंस निकलती है, तो ये खुशबूदार ग्रंथियाँ होती हैं। तो ऑस्मोफोर्स आर सम स्पेशल एरिया ऑन फ्लोरल ऑर्गन, जो पुष्पीय भाग होते हैं उनमें पाई जाती हैं, और ये अपने आसपास की जो अदर सेल्स होती हैं उनसे इनका डिफर करती हैं, उनसे अलहदा होती हैं, अलग होती हैं, और ये प्रोड्यूस करती हैं फ्रेगनेंस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। द फ्रेगनेंस ऑफ ए फ्लावर इज ड्यू टू वॉलेटाइल लो टारपिन्स विच आर नॉट एक्सक्यूटेड बाय द ग्लैंडुलर ट्राइकॉम। ये जो टारपिन्स होते हैं ये बाहर नहीं निकलते हैं बल्कि डिफ्यूजन के थ्रू ये गैसियस फॉर्म में उस स्मेल को बाहर छोड़ते हैं जिससे कि कीट इनकी ओर आकर्षित होता है। तो जो ऑयल डक्ट्स होती हैं या ऑस्मोफोर्स जो होते हैं उनसे
सीक्रेटरी जो सब्सटेंस होता है वो बाहर नहीं निकलता है, बल्कि वो डिफ्यूजन के थ्रू अपनी फ्रेगनेंस को बाहर निकाल देता है, जिससे कि कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। दीज सब्सटेंसेज एट एन अप्रोप्रिएट टेम्परेचर डिफ्यूज आउट ऑफ द सेल इन गेशियस फॉर्म थ्रू द सेल वॉल एंड क्यूटिकल्स टू प्रोड्यूस फ्रेगनेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण के थ्रू ये सेल वॉल से बाहर आ जाते हैं। द फ्रेगनेंस प्रोड्यूसिंग सेल डिफर मार्कडली फ्रॉम द एडजस्टेंट नॉर्मल सेल्स। इसके आसपास के सेल से ये अलग होती हैं। द ऑस्मोफोर सिक्रीट टाइपिन्स एज द मेन फ्रेगनेंट मटेरियल इन सम स्पीसीज बिलोंगिंग टू द एरिक सी द फ्रेगनेंट सब्सटेंस मे कंटेन एमीन्स एंड अमोनिया। तो एरेसी फैमिली के जो में अगर नेक्टरीज प्रेजेंट होती हैं तो उनमें एमीन्स या अमोनिया भी प्रेजेंट होता है इन एडिशन टू टायरपेंस। तो ऑस्मोफोर्स जो होते हैं वो फ्लैप लाइक और ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज द ऑस्मोफोर ब्रश लाइक स्ट्रक्चर। हाइड्रोथ्रोट्स जलरंध्र। जलरंध्र ये एक रंध्र के समान संरचना है जो मोस्टली एंजियोस्पर्म में कॉमनली पाई जाती है। इन रंध्र से जल बाहर निकलता है। जल रंध्र और रंध्र दो चीज़ें हैं। जल रंध्र इज हाइड्रोथ्रोट्स एंड रंध्र इज स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा से एक अलग संरचना है। स्टोमेटा में गार्ड सेल्स पाई जाती हैं, वो मूवमेंट करता है, जबकि हाइड्रोथ्रोट्स मूवमेंट नहीं करता है। तो हाइड्रोथ्रोट्स की जो सेल्स होती हैं वो मोस्टली ये लीफ मार्जिन्स पर या एपिडर्मल रीजन में पाए जाते हैं। हाइड्रोथ्रोट्स कॉमनली सीन इन वाटर लेट्यूस रोज बालसम एंड मैनी अदर स्पीसीज। ये लिविंग सेल्स होती हैं और इनके आसपास जो स्पोर के आसपास जो सेल्स होती हैं वो लिविंग होती हैं और इनमें इंटरसेल्युलर स्पेसिस प्रेजेंट होता है जिसमें वाटर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट बहुत अगर वैसे तो नहीं होता है, होता है तो बहुत कम मात्रा में इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इन सेल्स को इपिथेम कहा जाता है और ये जो इपिथेम सेल्स होती हैं ये बाहर इन पोर्स के माध्यम से बाहर कनेक्टेड रहती हैं। द वाटर स्टोमा स्ट्रक्चरली रिजेंबल्स एन ऑर्डिनरी स्टोमा बट इज़ यूजली लार्ज एंड हैज़ लॉस्ट द पावर ऑफ मूवमेंट। ये बड़े होते हैं लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्ट्रोमेटा होते हैं उनसे उनमें मूवमेंट होता है और हाइड्रोथ्रोट्स में मूवमेंट नहीं होता है। हाइड्रोथ्रोट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ गटेशन। बिंदु स्त्राव गटेशन जो आप एक मैकेनिज प्रोसेस है गटेशन, उसमें जब जड़ों में रूट प्रेशर बढ़ जाता है तो हाइड्रोथ्रोट्स जो होते हैं वो वैस्कुलर एलिमेंट से कनेक्टेड रहते हैं, जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। और जब जड़ों में रूट प्रेशर बढ़ जाता है तो रूट प्रेशर बढ़ने से ये पानी जो होता है वो बूंदों के रूप में इन पत्तियों के मार्जिन से बाहर निकलने लगता है, इसलिए इसको बिंदु स्त्राव या गटेशन भी कहते हैं। दिस इज द हाइड्रोथ्रोट। नेक्स्ट इज इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स। वह ऊतक जो दूसरे ऊतकों में ऊतकों में धंसे हुए हैं उन्हें इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, जिसमें हम सीक्रेटरी सेल्स, सीक्रेटरी कैनाल्स और लैटिसिफेरस सेल्स की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज ग्लैंड रेजिन डक्ट्स, इसको भी हम इंटरनल सीक्रेटरी स्ट्रक्चर्स में स्टडी करते हैं। तो जो ग्लैंड्स होती हैं या जो डक्ट्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं, इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है और ये एक कैविटी को घेरे हुए रहती हैं। इस कैविटी को सीक्रेटरी कैविटी कहते हैं। रेजिन डक्ट्स अगर यहाँ प्रेजेंट होती हैं तो ये शाइजोजीनस ग्लैंड्स होती हैं, यानी शाइजोजीनस और लाइसीजीनस ग्लैंड्स कौन सी होती हैं। शाइजोजीनस में लाइसिस हो जाता है सेल्स का, यानी सेल डिसॉल्व हो जाती है, और शाइजोजीनस में सेल वॉल डिसॉल्व होती है। तो इसका जो डक्ट्स हैं, ऑयल डक्ट्स के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो तेल ग्रंथियां जो होती हैं वो वाष्प शील तेल का सिक्रीशन करती हैं और
इन लहजा तो शाइजोजिनस और लाइसीजिनस गुहिकाओं में ये ऑयल या रेजिन वो होता है वो जमा हो जाता है। द केविटी में बी स्फेरिकल और इलोंगेटेड टू ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड टर्म्ड एज ग्लैंड और डक्ट। तो इसमें कैविटी बन जाती है जिसमें कि एक्यूमुलेटेड विद दिस कैविटी जो सीक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो इस कैविटी में एक्यूमुलेट या जमा हो जाते हैं। कैविटी दो तरह से फॉर्म होती है जैसे मैंने आपको बताया, शाइजोजिनसली एंड लाइसोजिनसली, और थर्ड वन इज शाइजोलाइसीजिनसली। शाइजोजिनसली में क्या होता है, मिडल लैमिला डिजॉल्व होती है, डिजोल्यूशन ऑफ मिडल लैमिला, फॉर एग्जाम्पल ग्लैंड्स ऑफ ऑयल ग्लैंड्स ऑफ यूकेलिप्टस एंड रेजिन डक्ट्स ऑफ पाइनस। शाइजोजिनस कैविटी के अलावा दूसरी है लाइसीजिनस ग्लैंड्स, ये ओरिजिनेट होती हैं लाइसिस ऑफ फ्यू सेल्स, जो कुछ सेल्स होती हैं वो पूरी तरह से लाइसिस हो जाता है, उनका लयन हो जाता है, लाइसिस होना, और वो उसके आसपास की जो कोशिकाएं हैं वो एक सराउंडिंग लेयर बना लेती हैं और एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, फॉर एग्जांपल ग्लैंड्स ऑन लीव्स एंड फ्रूट्स ऑफ सिट्रस। लास्ट वन इज लैटिसीफेरस टिश्यूज या लैटिसीफेरस सेल्स, रबड़ शीर ऊतक। रबड़ शीर ऊतक क्या होता है, रबड़ शीर अक्सर आपने पौधों को देखा होगा, कुछ प्लांट्स यूफोरबिया, इनको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें से एक वाइट पदार्थ निकलता है, इसी तरह से आर्जीमोन से एक येलो पदार्थ, तो ये लेटेक्स जो चिपचिपा से पदार्थ निकलता है ये कहलाता है रबड़ शीर लेटेक्स। तो लैटिसीफेरस जिन ऊतकों से ये लेटेक्स या रेजीन निकलता है इनको लैटिसीफेरस टिश्यूज कहते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड इलोंगेटेड एंड मच ब्रांच डक्ट, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और ये इलोंगेटेड टिश्यूज़ होते हैं जिनमें कोशिका या तो खुद बड़ी हो जाती है या फिर कोशिकाओं की सेल वॉल डिजॉल्व होकर के ब्रांच नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। दे कंटेन न्यूमरस न्यूक्लियाई, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं और थिन लाइनिंग होती है इसमें प्रोटोप्लाज्म की। दे रेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड इन मास ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, मृदु तक जो कोशिकाएं होती हैं इसमें ये इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। लैटिसीफेरस डक्ट्स अगेन टू टाइप की होती हैं, लैटेक्स सेल नॉन आर्टिकुलेटेड, नॉन आर्टिकुलेटेड यानी जो संगीत नहीं होती हैं, और आर्टिकुलेटेड जो संगीत हो जाती हैं और एक वेसल बना लेती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो लैटेक्स सेल्स जो होती हैं दीज डक्ट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद स्ट्रेच हो जाती है, एक सिंगल सेल सॉलिटरी स्ट्रक्चर होता है लैटेक्स सेल। These ducts are independent unit which extended as branched structure for long distance in the plant. They originate as minute structure elongated quickly and by repeating branching ramify in all direction but do not fuse together. Thus a network is not formed as in latex cells. तो latex cells जो होती हैं वो solitary structure है, एक cell लंबी हो जाती है और network नहीं बनाती है। लेटेक्स वेसल्स दे ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकुलेटेड, संगीत आपस में मिल जाती हैं। दीज डक्ट्स और वेसल्स आर द रिजल्ट ऑफ एनास्टोमोसिस ऑफ मैनी सेल, एनास्टोमोसिस द शाखा मिलन, एक दूसरे से मिल करके एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इनके जो बीच की सेल वॉल्स होती हैं वो डिजॉल्व हो जाती हैं और अपने पैरेलल चलने वाली जो सेल्स होती हैं उनसे आपस में मिल जाती हैं। तो इस तरह से एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। दिस इज कॉमन इन द फैमिलीज पेपेवरेसी, कंपोजिटी, यूफोरबिएसी, मोरेसी एसेट्राज। इनका जो फंक्शन होता है मोस्टली जो लेटेक्स सेल्स होती हैं वो फूड स्टोरेज ऑर्गन की तरह, वेस्ट मटेरियल के रिजर्वायर की तरह, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको रिजर्व करती हैं, या ट्रांसलोकेटरी टिश्यूज की तरह काम करती हैं। दीज आर द लैटिसीफेरस डक्ट्स, फर्स्ट वन इज नॉन आर्टिकुलेटेड यानी लैटेक्स सेल, इसमें आप देख रहे हैं एक सेल लंबी लंबी हो गई है,
आपस में नहीं मिल रही हैं, लंबी लंबी एक सेल्स हैं, जबकि दूसरे बी पार्ट में आर्टिकुलेटेड डक्ट्स बनती हैं जो आपस में पैरेलल चलने वाली जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल डिजॉल्व हो जाती है और साइड वाली सेल से भी उनमें आपस में कनेक्शन हो जाता है, तो ये एक नेट बना लेती हैं। थैंक यू।